देखिए बेटा, आज का टॉपिक है बेटा हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेस से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हुआ क्या जी, एक फर्म खुलती है एबीसी करके, ठीक है। उसके अंदर ए बी और सी ये जो है बेटा उसके तीन पार्टनर्स हैं। कुछ इलेवेंथ का बेस समझते हो, हम ये समझते हैं कि कैपिटल क्या होता है बेटा, कि जब हमें किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कोई भी पैसा लगाना होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कैपिटल कहलाता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, ठीक है जी। तो ऐसे ही जब ये पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई होगी, ये क्या है बेटा, हमारी पार्टनरशिप फर्म है। अभी जो हमने इलेवेंथ के अंदर बुक्स पढ़ी है ना, वो थी हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिंगल। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप। इसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा, कंपनी। उसमें क्या हो जाएंगे, 50-100 से ज्यादा, मतलब लोग बढ़ते चले जाएंगे, भीड़ बढ़ती चली जाएगी। बेसिकली वो है, उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। तो इलेवेंथ पूरी किसमें निकली, एक बंदे की अकाउंटिंग बनाने में। अब ट्वेल्थ के अंदर हम सीखेंगे दो या दो से ज्यादा लोगों की, या फिर भीड़ हो जाए, कंपनी बन जाए तो क्या होगा हमारा, ठीक है। एक एक करके स्टेप बाय समझेंगे। अब मैंने आपको क्या बोला कि जी एक फर्म खुली जिसमें तीन पार्टनर्स थे, तो ऑब्वियसली बात है जब इंडिविजुअल फर्म थी तो एक पर्सन पैसा लगाता था, उसे हम कैपिटल कहते थे। अब यहाँ तीन पार्टनर्स है तो ये तीनों यहाँ पे क्या लगा रहे हैं बेटा, पैसा लगा रहे हैं। तो इनके तीनों के द्वारा लगाया गया जो होगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, वो भी कैपिटल ही कहलाएगा, वो भी तो कैपिटल ही कहलाएगा। अब इंडिविजुअल फर्म में भी हम क्या देते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी एंट्री करी थी हमने कि आईओसी क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे भी हमें क्या देना है, आईओसी देना है। लेकिन ये एग्जांपल देने का रीजन क्या है, हमें यहां पे ये समझना है कौन किसको आईओसी दे रहा है। यहां पे बेटा सिंपल समझ लो, फर्म गिव्स आईओसी टू पार्टनर, सो फर्म के लिए जो है ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे एक्सपेंस का काम करेगा, और जो पार्टनर है वो उसके लिए करेगा ये रिवेन्यू का काम करेगा। ये चीजें स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूं, आगे फुल फ्लेज क्वेश्चन में बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है। ये एक्सपेंस है और इसके लिए क्या है बेटा, ये यहाँ पे इनकम है। अब आईओसी की भी कंडीशन थी, चार्ट देखना इसका कैसे कैसे बनता है। अब आईओसी क्या है बेटा, अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास पार्टनरशिप डीड है, पहले लेते हैं पार्टनरशिप डीड, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, नो आईओसी विल बी गिवन। तो उस कंडीशन में बेटा मैं कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा। यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती, उस कंडीशन में भी हम क्या देते हैं, आईओएल यानी इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से, और प्रॉफिट शेयर करते हैं कैसे, इक्वली। दो चीजें हैं जो हम करते हैं, उसके अलावा जब तक पार्टनरशिप डीड नहीं कहेगी हम नहीं देंगे। अब आ गया, ये कंडीशन तो खत्म हो गई जी हमारी। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे, क्या कि सर अगर हमारे पास क्या है, पार्टनरशिप डीड है तो क्या करेंगे जी हम, अगर पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, इसके अंदर बेटा क्या बनेंगी हमारी, तीन सिचुएशंस बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, तीन सिचुएशंस बनेंगी। उन तीन सिचुएशंस को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अभी आप देखिए, पहली कंडीशन, इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड है लेकिन मेरे को ये नहीं बता रखा कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। भाई दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आईओसी क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, या सर क्या होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। अब इसका दूसरा पार्ट क्या बन सकता है जी,
कि इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, यहां पे भी पार्टनरशिप डीड है लेकिन हमें स्पेशली क्या कह रखा है कि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हमें स्पेशली क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कि सर ये जो आईओसी है ना, नीचे लिखा हुआ है, स्पेशली मेंशन किया हुआ है, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अगर कोई चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो रूल क्या बताया था, भले ही फर्म को प्रॉफिट हो भले ही फर्म को लॉस हो, हमें तो जी आईओसी देना ही देना है। ठीक है, हमें आईओसी देना ही देना है। तो इस केस के अंदर आईओसी विल बी पेड वेदर द फर्म इज इन प्रॉफिट और, यहां तक किसी का कोई डाउट? ठीक है, अभी प्रैक्टिकल से और समझाऊंगा क्वेश्चन करके, यहां तक क्लियर। अब इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, अगर चार्ज कह रखा है तो आप समझ गए कि भैया देना ही देना है। अगर इन केस मान लो क्या है, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ, उस कंडीशन में क्या होगा ये देख लेते हैं भैया। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की कंडीशन में दो कंडीशन हमारे सामने आएंगी। दो कंडीशंस क्या आएंगी, सपोज करो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया कितना बेटा, 10,000 रुपए। कितना आया, 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को देना है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में पहली कंडीशन ये है कि भैया मेरे पास प्रॉफिट कितना है यहां पे, 15,000। कितना है प्रॉफिट मेरे पास, यानी कि आईओसी इज लेस देन द प्रॉफिट, यानी मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बच्चे, मेरे प्रॉफिट से कम है। तो सीधी सी बात है, आपको किसी को 10,000 रुपए देने हैं, आपके पास प्रॉफिट 15,000 रुपए है। और एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बच्चे कि जितना मेरे पास प्रॉफिट है ना, मैं उतना ही दे सकता हूँ, उससे बाहर जाके मैं कुछ पे, यहां तक समझ आया? तो भैया पहली सिचुएशन में क्या हमें कोई दिक्कत आएगी आईओसी देने में, कुछ सोचो, आएगी भाई, क्योंकि 15,000 हमारे पास रखे हैं, उसमें से देने कितने हैं बच्चे, मैंने सिर्फ 10,000 देने हैं, तो मैं दे सकता हूँ नहीं दे सकता, दे सकता हूँ, यानी ये तो सर दिक्कत वाला केस ही नहीं है। अब दूसरे केस में प्रॉफिट, यहां पे बेटा प्रॉफिट मान लो आपके पास कितना है, यहां पे सिर्फ 8,000 है। अब आएगी दिक्कत, क्या सर यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये तो ज्यादा हो गया, किससे, सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, 2,000 की तो कमी आ रही है, अब क्या करूंगा? तो यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या समझा रहा हूं, पूरे आईओसी के केस में दिक्कत कौन सा केस देगा, सिर्फ आपको ये वाला देगा, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये पूरी स्टोरी समझाने का मतलब ये था, कब आएगी, दो चीजें याद कर लो कि सर जब एप्रोप्रिएशन का केस होगा, दूसरी कि सर जब उसके अंदर आईओसी जो होगा ना वो प्रॉफिट से ज्यादा होगा तब दिक्कत है, अदरवाइज तो सिंपली आप उसे क्या करते जाओ, डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाओ। यहां तक पूरा क्लियर है सिनेरियो क्या चलना हमारा? ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपका, ठीक है, और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बेस पे आपको एक एक चीज समझाते हैं, उसको जरा ध्यान से देखेंगे आप। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चे हमारा यहां पे कि एक्स रेशो वाई 2:3 के अंदर क्या है, पार्टनर है। एक्स के पास जो लगाया हुआ कैपिटल है एक्स ने, वो कितना लगाया था, 2,00,000, और दूसरे ने वाई ने लगाया था कितना यहां पे, 1,00,000। ये क्या है बेटा, इनका कैपिटल है। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर बेटा सबसे पहले हम आते हैं इसके केस नंबर फर्स्ट पे, सिर्फ यहां पे देखते रहो आप। अभी केस फर्स्ट है, कहता है क्या, शॉर्ट में लिखता जाऊंगा, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है, नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट कितना है मेरा बेटा इसके अंदर, 20,000 रुपए का है। अब मेरे को यहां पे आप खुद बताओ, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है
प्रॉफिट 20,000 रुपए है, तो क्या मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? बताओ, क्या बताया था अभी आपको मैंने? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आईओसी विल नॉट बी गिवन, आईओसी हमें नहीं देना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। पहला केस क्लियर है भैया? इंटरेस्ट ऑन लोन कब देना था? समझा नहीं आपका क्वेश्चन बेटा यहाँ। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो आपको रेट दिया हुआ उसके अंदर 10%, 12%, 7% उस रेट से आप दोगे। बेसिकली आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि एक तो पढ़ो उसे बार बार, दो ही चीजें हैं आईओएल और आईओसी के अंदर। देखो इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है वो, मतलब 5th-6th क्लास को मैं एक बार में समझा सकता हूँ, इतना पता है। आईओएल सिंपल याद क्या रखना है कि सर आईओएल ना देना ही देना है, बस दो सिचुएशन है। अगर देखो सीधी सी बात है, आपने घर से बाहर जाना ही जाना है, एक पापा के कहने पे जाना है, एक अपनी मर्जी से जाना है, लेकिन जाना तो है, ये तो तय ही है ना। पापा कहेंगे तो आप वहां तक जाओगे जहां तक पापा ने कहा, अपनी मर्जी से जाओगे तो कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे उल्टा चलता है भैया, अगर पापा ने यानी बेसिकली पार्टनरशिप डीड ने कहा है तो आप उतना ही आईओएल दोगे, 6%, 10%, 12% जितना पार्टनरशिप डीड ने आपसे कहा है। अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं कह रखा तब भी हमें 6% देना ही देना है आईओएल के केस में, समझ आया। लेकिन आईओसी थोड़ा सा अलग है, आईओसी क्या है, थोड़ा सा आज्ञाकारी बच्चा है, वो ये कहता है कि भैया अगर पापा ने मेरे को कहा है तो मैं दूंगा या मैं घूमने जाऊंगा, अगर पापा मना करेंगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे वही सिचुएशन है कि भैया अगर पार्टनरशिप डीड में 6-7% जो भी आईओसी कह रखा है आप दोगे, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं कह रखा तो आप आईओसी नहीं दोगे। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं थी, प्रॉफिट था, लेकिन हम आईओसी यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले केस में क्या हो गया, आपको आईओसी नहीं देनी है। दूसरे केस के अंदर अब जाते हैं, इसके बाद आईओसी विल नॉट बी गिवन। अब आते हैं इसके बाद केस नंबर, केस सेकंड क्या है बेटा, इफ, ध्यान से देखो इधर, पार्टनरशिप डीड में ये कह रखा है कि आईओसी जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से मेरे को देना है, और लॉस जो है मेरे को वो कितना है बेटा यहाँ पे 15,000 है। लॉस कितना है बेटा मेरा यहाँ पे 15,000 है। अब यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन, तो बताओ लॉस की कंडीशन में मैं क्या आईओसी दूंगा, नहीं दूंगा। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला कि आईओसी कब दिया जाएगा, जब प्रॉफिट होगा। और अगर चार्ज अगेंस्ट वाले, देखो आपको मैं सीधी सी बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन, जितने मर्जी केस आ जाए आपने दिमाग पता है कब लगाना है, जब केस कौन सा आएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आएगा, उससे पहले आप अपना दिमाग यूज ही मत करो। सिंपल सा लॉजिक है क्या कि सर पार्टनरशिप डीड है, आईओसी इतना है, लेकिन हमारे पास क्या है, लॉस है। तो भैया जब लॉस है तो मैं पीएनएल के अंदर तो दे नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो आईओसी विल बी। अभी रुक जाओ, सारे केस करते हैं, उसके बाद आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स क्या थे। इसके बाद बेटा आया आपका केस नंबर थर्ड, उसमें कह रखा है कि हाँ सर पार्टनरशिप डीड है, इसमें कह रखा है कि 6% हिसाब से है, और जो प्रॉफिट है ना सर वो कितना है मेरे पास, 21,000 रुपए का है। कितने का प्रॉफिट है जी मेरे पास? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इस सिचुएशन में प्रॉफिट भी है आईओसी भी है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे बनाओ क्या बेटा, अपना वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, एक्स का, और ये निकालना सीख लेना। अब एक्स का कैपिटल कितना है बेटा यहाँ पे, 2,00,000। रेट कितना गिवन है हमें, 6%। आंसर कितना आ गया बेटा यहाँ, 12,000। अगले का कितना है बेटा यहाँ पे, 1,00,000 इंटू में 6%, ये कितना आ गया बेटा, टोटल कितना हो गया, कितना हो गया टोटल यहाँ पे, 18,000। प्रॉफिट कितना है मेरे पास, क्या मैं दे सकता हूँ, नहीं दे सकता, बड़े आराम से देखता हूँ भैया, 21,000 रुपए पड़े, 18,000 रुपए मेरे को देने हैं तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब
इसके बाद आया आपका यहाँ पे क्या बेटा, केस नंबर 4। उसमें क्या कहा उसने, कहता है कि हाँ जी पार्टनरशिप डीड है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम है, बिल्कुल ठीक है जी, और साफ साफ बोल रखा है कि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस चीज को बेटा यहां हाईलाइट भी कर रहा हूं मैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट है बेटा आपका यहां पे वो कितना है, वो है कितना, 20,000 है प्रॉफिट। कितना है मेरा यहाँ पे ये? अब देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ना इजी हो जाता है आपका केस, कि भैया हमें ना आग बंद करके क्या करना है, आईओसी पे करना है, भले ही फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा, भले ही फर्म को, लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन में देखूं तो 6% के हिसाब से बेटा कितना आएगा इंटरेस्ट, 18,000 ही आएगा। प्रॉफिट कितना है बेटा इसके पास, 20,000 है, तो इसमें से मैंने 18,000 रुपए दे दिया आईओसी, अभी भी कितना बचेगा। ये चीज मैं आपको पहले ही क्या क्लियर कर चुका हूं कि भैया चार्ज में भी ना आपको दिक्कत एक ही कंडीशन में आएगी, कब, जब आईओसी जो होगा वो क्या होगा आपका, प्रॉफिट से ज्यादा होगा। जब तक आईओसी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं है आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो कैसे दिक्कत भी समझ लो भी आ जाएगी आपके सामने। इसके बाद आते हैं हम अपने केस 5 के ऊपर बेटा, एक एक करके दोबारा देखो बेटा, यहाँ पे ना ये जो टर्म हम हाईलाइट भी कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने भी मिस करा, यहाँ पे टर्म क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम बार बार क्या रिपीट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, भले ही फर्म को प्रॉफिट हो, भले ही फर्म को। अब आपका इंटरेस्ट कितना आया यहाँ पे, कितना प्रॉफिट गिवन है मेरे को, और मेरे को इंटरेस्ट कितना देना है, तो इस कंडीशन के अंदर फर्म को क्या सफर करना पड़ेगा बेटा, 16,000 का लॉस करना पड़ेगा। समझ आई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। अब इसके बाद एक केस और गिवन है आपको, उस केस में ये कह रखा है कि जी हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, केस नंबर 6, आईओसी जो है अगेन कितना है बेटा, 6% है, और कैसे है वो, चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, और जो प्रॉफिट है ना बेटा मेरा वो कितना है यहाँ पे, 18,000 है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं इसको, फिर से आईओसी कितना आएगा बेटा हमारा, 18,000 ही आएगा, तो ये कितना बचा हमारे पास। भाई देखो सीधी सी बात है, पहले केस से आते हैं क्योंकि सेम कंडीशन है, सेम ही क्वेश्चन है आपका। देखो यहाँ पे जरा भाई, केस है आपका कि सर एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 2,00,000 और 1,00,000 लेके आए कैपिटल। हमें पहले केस में क्या रखा है कि भैया पीडी यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, और हमें प्रॉफिट कितना गिवन है, 20,000। तो सिंपल से देखो ट्रिक याद करते जाओ, पहला पॉइंट आपने क्या याद करना है आईओसी में कि सर अगर आईओसी के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरे में उसने क्या बोला कि सर पार्टनरशिप डीड है, 6% के हिसाब से मेरे को इंटरेस्ट देना है, लेकिन क्या है मेरा यहाँ पे, लॉस है। दूसरी चीज देखो अभी याद क्या करना है, पहली दो पॉइंट्स में आपको ये चीज समझनी है कि सर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, और इन केस ऑफ लॉस भी इंटरेस्ट, ठीक है। अब तीसरा केस क्या आया बेटा इसके बाद हमारे सामने, तीसरा केस था कि सर पार्टनरशिप डीड है, उसमें 6% इंटरेस्ट है, और प्रॉफिट कितना है, 21,000, आईओसी कितना था, 18,000। तो पहला केस ये हो गया बेटा आईओसी, मैं केस लिखता जा रहा हूं यहां पे, आईओसी इज लेस देन, यहां तक समझ आया, पहला केस क्या हो गया यहां पे, लेकिन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं था। यहां पे देखो अभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मेंशन। अब चौथे केस से आपके पास पार्टनरशिप डीड 6%, लेकिन कैसे है, चार्ज अगेंस्ट। देखो फिर कह रहा हूं जहां पे चार्ज अगेंस्ट लग जाएगा ना, जैसे ही वर्ड आ जाए चार्ज अगेंस्ट, तो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट पे करना है, भले ही फर्म प्रॉफिट में जाए, उसके बाद भले ही फर्म। तो अब देखो यहाँ पे कितना था बेटा, पहली कंडीशन देखो, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 20,000, लेकिन आईओसी कितना था, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, आईओसी इज लेस देन, पहली कंडीशन ये थी हमारी, ठीक है। दूसरी कंडीशन पे आते हैं जी, अब यहाँ पे फिफ्थ केस के अंदर क्या बोला बेटा इसने, यहाँ पे पीडी इज 6%, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना है सिर्फ मेरे पास,
तो यहां पे क्या हुआ, आईओसी इज ग्रेटर देन, ठीक है, लेकिन आईओसी भले ही ग्रेटर देन प्रॉफिट था, लेकिन था क्या बेटा यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था ना, तो हमें पूरा का पूरा आईओसी यहाँ पे पे। इसके बाद आए केस सिक्स पे, यहाँ पे क्या हुआ कि आईओसी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। अभी जो हमने एक अल्टरनेट केस बताया था ना आपको, ये वाला कि अगर ये सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है, ये अभी तक आया ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये केस अभी आएगा। अब दोबारा से मैं बोल रहा हूं, यहां पे किसी को बच्चे कोई डाउट इस वाले के अंदर बोलो, हाँ जब तक कुछ मेंशन नहीं है तब तक आप अपनी मर्जी से नहीं करोगे, क्योंकि ये नॉर्मली अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। लेकिन अगर वहां स्पेसिफाई कर दिया उसने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो फिर देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहने का मतलब समझ रहे हो उसका क्या है, जहां पे वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लगा रहा है ना आपके साथ क्वेश्चन में, वो कहना चाह रहा है कि भैया आपको देना ही देना है ये, भले ही फर्म आपकी प्रॉफिट में चल रही है भले ही वो लॉस में चल रही है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं कह रखा तो आप उतना ही दोगे जितना आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट से ज्यादा आप उसको डिस्ट्रीब्यूट अभी, ठीक है। अभी वो सिचुएशंस देखते हैं, यहां तक भाई सारे केस क्लियर है सबको, अभी कराऊंगा आपको यहाँ पे बुला के। क्या बेटा ये लो, ये अप्रोप्रिएशन में कर रहे हैं, अभी आएगा ये वाला पार्ट, अभी क्वेश्चन आ रहा है इसका, ठीक है। ये देखो अब क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को देखना जो हमारा लास्ट डाउट चल रहा है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि ए रेशो बी पार्टनर्स हैं 4 लाख और 2 लाख में, आईओसी जो देना है मेरे को वो देना है कितना, 6% पर एनम। प्रॉफिट जो है बेटा मेरे पास वो है कितना यहाँ पे 30,000। अब देखो इसमें पता क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, कहता है प्रिपेयर अ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सीधा क्लियर हो गया ना बेटा कि क्या करना है मेरे को यहाँ पे, अप्रोप्रिएशन करना है। और अप्रोप्रिएशन का रूल मैंने आपको क्या बताया कि मैं सिर्फ उतना ही प्रॉफिट, जितना मेरे पास प्रॉफिट है उतना ही मैं क्या दे सकता हूँ इंटरेस्ट, उससे बाहर जाके मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा। अब पहला काम करते हैं यहाँ पे वर्किंग का, इंटरेस्ट ऑन ए कितना है बेटा इसके पास, इनटू में कितना आ गया ये, उसके बाद बी 2 लाख इंटू 6% इज इक्वल्स टू टोटल कितना हो गया, प्रॉफिट कितना है। अब क्या दिक्कत आई, केस कौन सा है। अब यहां पे ना ये चीज समझ लो, यहां पे ना थोड़ा सा सुनना, अगर बेटा यहां पे क्या लिखा होता चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ध्रुव क्या करते फिर, हम फिर हमें पूरा का पूरा 36,000 ही देना था, 6,000 का भले ही लॉस हो जाता, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली है उसने। अब क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो मैं 30,000 से ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा, तो अब वो निकालेंगे कैसे कि भैया 30,000 में से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, वो देखो। अब यहां भाई आईओसी किसका, ए का, और तरीका वही रहेगा जो फॉर्मूला बताया था, क्या टोटल आईओसी कितना है बेटा 36,000, ए को देना कितना है 24,000, इनटू में हमारे पास प्रॉफिट कितना है, ठीक है, सीधा सा लॉजिक है, टोटल आईओसी कितना है, देना कितना है और हमारे पास प्रॉफिट कितना है। तो अब इसको आप यहां से काट दीजिए, 12 तिया यहां हो गया 36 और यहां हो गया ये 10,000, तो आपको ए को कितना देना है, एक्चुअल में कितना देना था 24, लेकिन निकल के कितना आया अभी हमारे पास सिर्फ 20। अब ऐसे ही आओ बी वाले कंडीशन पे, भैया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है जी 36,000, देना कितना है जी 12,000, इनटू में सर हमारे पास प्रॉफिट कितना है, तो 000 से 000 3,000 कितना आ गया, यहाँ पे हो गए पूरे 30,000, ठीक है। तो इसका मतलब ए को मैं 24 की जगह कितने दूंगा बेटा 20,000, और बी को कितने दूंगा 12,000 की जगह सिर्फ, ठीक है। अब इसका ना कंक्लूजन पे आ जाते हैं, देखो बहुत घुमाओ फिराओ मत, सिंपल सा समझ लो, आईओसी को यहां देख लो,
और छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आईओसी जो है एक कंडीशन होगी चार्ज, एक कंडीशन होगी जी एप्रोप्रिएशन, दो ही कंडीशंस हैं। इसमें आईओसी विल बी फुली पेड आइदर फर्म इन प्रॉफिट और लॉस। यहां पे मेरे को आईओसी पूरा देना ही देना है, भले ही फर्म प्रॉफिट में है भले ही फर्म। अब आते हैं जी एप्रोप्रिएशन वाली कंडीशन। एप्रोप्रिएशन में आईओसी विल बी गिवन अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी एप्रोप्रिएशन के केस में अप टू द एक्सटेंट का मतलब जितना मेरे पास प्रॉफिट है उतना मैं आईओसी दे सकता हूं, अगर उससे कम है तो दिक्कत ही नहीं है, उसके बराबर है तब भी दिक्कत नहीं है। भाई देखो सीधी सी बात है, इसमें तीन सिचुएशंस पैदा हुई हमारे सामने, क्या ध्यान से देखना आप। ये आईओसी है मेरा 10,000, ये मेरा बेटा प्रॉफिट है, यहां पे पहले भी एग्जांपल लिया था अभी मैंने, इसे ले लेते हैं 15,000। पहली कंडीशन क्या आई हमारी इसके अंदर कि सर आईओसी इज लेस देन प्रॉफिट, आईओसी क्या है मेरा लेस देन, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली पूरी की पूरी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आती है जी, आईओसी सर मेरा है 10,000 और मेरा जो प्रॉफिट है वो भी कितना है जी मेरा, तो कंडीशन क्या बनी आईओसी इज इक्वल्स टू, क्लियर है यहां तक। तीसरी कंडीशन क्या आई, सर आईओसी है मेरा 10,000, प्रॉफिट है मेरा यहां पे 8,000, तो आईओसी इज ग्रेटर देन, तो भैया यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस में है, यानी हमें जो ध्यान देना है वो कहां पे देना है, सिर्फ इस वाले सिचुएशन में देना है जो अलग से हमने अभी क्वेश्चन करा था, उसके अलावा पूरे क्वेश्चन में आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चार्ज तो देखो आप सबको क्लियर होगा, बहुत इजी है सर, वो तो आंख बंद करके पूरा पूरा पे करना है, जितना मर्जी आता रहे, प्रॉफिट और लॉस हो हमें देना ही देना है। एप्रोप्रिएशन के केस में दो सिचुएशंस हैं, अगर सर लॉस है तो हम नहीं देंगे, और अगर प्रॉफिट भी है तो उतना ही देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है, उसके अलावा हम नहीं देंगे, क्लियर है।